वो ये नया शिशु आता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, हम अखंड रामायण का पाठ बिठाते हैं, राम नाम संकीर्तन हमारे घरों में होने लगता है, उठते हैं तो राम का नाम स्मरण करते हैं, जागते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, व्यवसाय करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं, जीवन का कोई काम ऐसा नहीं जो राम के बगैर होता हो, और यही नहीं अंतिम यात्रा भी राम के ही नाम पर निकलती है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है। तो राम जहां पर श्वास श्वास में बसे हो, उन लोगों ने इस गलती को करने का प्रयास किया कि श्वास श्वास में बसे हुए राम को भारतीय जनमानस से अलग करने की उचित प्रयास का हिस्सा बनने का प्रयास, उचित प्रयास किया। आज राम मंदिर का यह स्वरूप दुनिया के अंदर दबी कुचली मानवता के लिए एक नया राह है, एक नया रास्ता है, भारत की आस्था का सम्मान हो रहा है, भारतीय जनमानस प्रफुल्लित है, उत्साही है, उमंग से भरा हुआ है। मेरा यह मानना है हर दुनिया के अंदर हर देश, जैसे व्यक्ति के जीवन में हमने चार ये मान लिया कि हर व्यक्ति के जीवन में भी उसकी अपनी प्रकृति होती है, कोई बहुत तामसिक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है, इनके बीच में भी हो सकता है कि वो आप आपस में मिलते जुलते भी होंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, एक पिता के चार पुत्र होते हैं, चारों अलग अलग राह चुन लेते हैं, कोई जन सेवा के लिए जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है, कोई व्यवसाय में जा रहा है, कोई किसी अन्य कार्य में जा, सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ है, अलग अलग कार्यों में भी व्यक्ति जा सकता है, उसकी रुचि है, उसकी उपलब्धता है, उसके अपने विषय हो सकते हैं, और यह केवल व्यक्ति पे ही निर्भर नहीं करता है, राष्ट्रों पर भी ये अक्सर से सही बैठता है, दुनिया के अंदर भी दुनिया के अलग अलग देश हैं, उन देशों के अंदर भी यही भाव रहता है, उसमें से कुछ देश ऐसे होते ऐसे हैं जिनकी व्यवसाय की वृत्ति है, आप कुछ भी कर लीजिए उनके व्यवसाय पे आंच नहीं आनी चाहिए, कुछ को अपनी विरासत अपने कला पर वे आश्रित हैं, उनकी उस सांस्कृतिक विरासत पर आप हमला मत करिए, वे उस अपने पुराने आर्किटेक्चर पर विश्वास करते हैं, कुछ लोगों को अपने प्राकरणों पर विश्वास है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है आप उस पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं, भारतीय आस्था, भारत का नागरिक शासन सत्ता पर निर्भरता उसकी बहुत कम रही है, न्यूनतम रही है, वह अपने अनुसार अपनी चर्या को तय करता है, भारतीय जनमानस में समाज आगे रहा है और सरकारें पीछे रही है, और भारतीय जनमानस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी आस्था का सम्मान करो, और जो भी उसके आस्था का सम्मान देता है वह उस राज सत्ता को सिर आंखों में बिठाने का काम करता है। याद रखना यही कारण था कि राजनीतिक इकाइयां भारत के अंदर अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक एकता भारत के अंदर एक थी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, याद करिए हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने भारत की जो सीमा तय की वही सीमा आज उत्तर से दक्षिण तक है, पूरब से पश्चिम तक कृष्ण ने जो सीमा तय की वही सीमा आज भी है, केरल से निकला एक सन्यासी चार कोनों में चार पीठों की स्थापना कर देता है, किसी भी राजा रजवाड़े ने उनको रोका नहीं बल्कि उन्हें सम्मान दिया, आगे जाने की व्यवस्था दी, एक राह दी, कपिलवस्तु का एक राजकुमार सन्यासी बनकर के ज्ञान का उपदेश देता है,
उनके लिए सभी राजे रजवाड़ों ने अपने पलक पावड़ी बिछा डाली। यह भारत है, आस्था का सम्मान करता है, और केवल भारत की ही आस्था का सम्मान नहीं किया उसने, बल्कि दुनिया की, विश्व मानवता की आस्था का सम्मान का राह भी भारत ने दिखाई। ये हर कालखंड में हुआ है, और यही स्थिति अयोध्या के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी ये जवाबदेही थी कि अयोध्या को हम अयोध्या की पहचान देना है, और मेरा पहले दिन से दृढ़ विश्वास था आज नहीं तो कल अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा अवश्य, मोदी जी के रहते हुए बनेगा। हम लोग इस बात पर पहले दिन से दृढ़ विश्वास करते थे। और याद करिए जब 2017 में हम लोग आए थे तो दीपावली का भव्य उत्सव का कार्यक्रम हमने अयोध्या में किया था, वो आज वहां का एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, अयोध्या का दीपोत्सव। यह हमारा सौभाग्य है कि उसमें गत वर्ष प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, इस वर्ष 54 देशों के राजदूत उस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी उस कार्यक्रम में भागीदार बन चुकी है, फिजी और मॉरिशस से जुड़े हुए राजनयिक उस कार्यक्रम में भागीदार बन चुके हैं। यानी अलग अलग वर्ष अलग अलग देशों के लोगों के साथ ही आज वहां उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इवेंट बन चुका है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के बारे में जब चर्चा हुई तो अब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमें उस समय भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना था, उस समय तो आस्था देखनी थी। हमारे अधिकारी गण आए थे, उन्होंने कहा कि हम दीपावली में आपको मिस करना के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली में लखनऊ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस ट्राइब्स के बीच में